प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में शनिवार को भुखमरी और कुपोषण से लड़ने के लिए किचन गार्डन के प्रति जागरूक किया गया। लोक समित आशा ट्रस्ट व हेल्पिंग हैंड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 75 भूमिहीन किसान व महिलाओं को जाड़े के सीजन के बैंगन, टमाटर, गोभी, मिर्चा, मूली, गाजर, चुकंदर, मेथी, चौड़ाई, पालक, बीन्स, धनिया, सोया, बोरा आदि मौसमी सब्जियों के बीच निःशुल्क वितरित किया गया। इस दौरान गांव के लोक समित आश्रम में किचन गार्डन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लोक समित संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि लोगों के पास घर के दायरे में इतनी जगह जरूर होती है जिसे वह किचन गार्डन के रूप में उपयोग कर ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां और फल उपजा कर अपने रोजमर्रा के सब्जी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। आप घर के आंगन बाउंड्री के भीतर खाली जमीन पड़ी हुई है तो किचन गार्डन के रूप में इसका प्रयोग कर अपने डेली की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इस खाली जमीन से आप अपने डेली के यूज भर की सब्जियां, फल और फूल आसानी से उगा सकते हैं। जिसमें लोगों के घर में सब्जियां उगाने के लिए खाली जमीन नहीं है वह भी घर पर किचन गार्डन बनाकर सब्जियां उगा सकते हैं। इसके लिए गमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियान के तहत ऐसे परिवार जो गरीब हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं वैसे परिवार को पूर्ण पोषण प्राप्त करने में किचन गार्डन के लिए बीज खाद का सहयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंदलाल मास्टर, श्याम सुंदर, पंचमुखी, अनीता, सुनील, तमाबानो, मंजीता, विद्या, सरोज, रामचंद्र, सोनी, सीमा, मधुबाला, शिव कुमार, आलोक आदि लोग उपस्थित रहे। आज प्रधानमंत्री आदर्श नागेपुर में जो भूमिहीन किसान हैं और जरूरतमंद जो मजदूर साथी हैं उन्हें टेरेस गार्डन और छत की खेती के प्रोत्साहन के लिए बीज वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें 50 से ज़्यादा किसान परिवारों को जाड़े की सब्जियों को बीज दिया गया। यह कार्यक्रम लोक समिति, आशा ट्रस्ट और हेल्पिंग हैंड के सहयोग से किया गया और लोगों को टेरेस गार्डन और छत की खेती के बारे में बताया गया कि कैसे वो अपने छत पर, अपने आंगन में, अपने द्वार पर छोटे छोटे बीजों के माध्यम से अपने ज़रूरत के सब्जियों को उगा सकते हैं और अपना पूरा का पूरा पोषण घर में ही पा सकते हैं। हमारा बड़ा राज नहीं, हाँ हमारा ही बड़ी बात नहीं। अच्छा सरोज क्या क्या अच्छा आशा चार खा गया ठीक हो कि हिस्से तक कुछ चाहिए। हाँ ठीक है। और अनीता Thank you.